दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम पेपर कप मेकिंग उद्योग खोलकर महीना में लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में हम आगे आपको लाइव दिखाएंगे कि पेपर कप किस तरह से तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कप होता क्या है। दोस्तों पहले जो है प्लास्टिक कप यूज किया जाता था, हम लोग प्लास्टिक कप यूज करते थे कॉफी पीने में, टी पीने में या फिर आइसक्रीम खाने में। तो उस समय होता क्या था, जब हम लोग उसमें गर्म चीज रखते थे, चाहे वो कॉफी हो या टी हो, कोई भी चीज जो गर्म हम उसमें रखते थे, तो उस कप से, वो प्लास्टिक कप से जो है केमिकल निकल के और उसमें मिल जाता था उस चीज में। जैसे मान लीजिए हम कॉफी रखते हैं तो कॉफी में जो है वो केमिकल मिल जाता था और जब हम पीते थे तो हम लोग के शरीर में चला जाता था और वो केमिकल बहुत ही नुकसान पहुंचाता था हम लोग के शरीर को, तो अलग अलग तरह का बीमारी फैला देता था शरीर में, जिसके कारण उस पर बैन लगा दिया गया है। अब जो है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और इसके बाद जो है अब थर्मकोल हल्का फुल्का चलता है और पेपर कप जो है ज्यादातर चलता है ना। हम जहां भी ज्यादा जाते हैं ज्यादातर पेपर कप ही चलता है, थर्मकोल उतना सक्सेस नहीं है, वो भी उतना अच्छा नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। और ये पेपर कप जो है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये पर्यावरण के अनुरूप है, इसका यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी तरह का बीमारी नहीं होती है, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। घर से हम बाहर निकलते हैं और हर जगह देखते हैं इसका यूजेज, चाहे वो आइसक्रीम पार्लर हो या फिर कहीं भी देखते हैं इसका यूज, पार्टी फंक्शन सब जगह इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो है डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ऐसे में हम लोग इसका उद्योग खोल के और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें जो है रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं लगती है, सिर्फ पेपर लगता है। और अब अगर आप उस पर प्रिंटेड बनाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ ये जो है प्रिंटेड है ना, ये प्रिंटेड है, अलग अलग तरह का जो है इस पर डिजाइन बनाया हुआ है, तो ये प्रिंटेड कप हुआ। और इसी तरह है देखिए, ये भी प्रिंटेड कप हुआ, ये जो है ये सिंपल है, इसमें कोई भी कलर का जरूरत नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह का कप बनाते हैं तो इसमें कोई भी कलर का जरूरत नहीं होगा। और अगर आप जो है इस तरह का कप बनाते हैं प्रिंटेड कप, तो इसके लिए आपको जो है कलर का भी जरूरत होता है इस प्रिंट को, इस पे प्रिंट करने के लिए। चलिए अब जो है हम प्रोडक्शन कैसे किया जाता है ये
अब जो है इसमें जो है कई तरह का पेपर कप बना सकते हैं, जैसे कि 90 ml का, 100 ml का, 110 ml का, 150 ml का, 210 ml का, 250 ml का। तो इसमें जो है देखिए यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ कप पर टन, यानी एक टन में आप कितना कप बना सकते हैं। देखिए एक टन पेपर में आप जो है 90 ml का, 90 ml का जो है 44,05,000 कप बना सकते हैं। इसी तरह 100 ml का एक टन कप पेपर से 42,05,000 बना सकते हैं। इसी तरह 110 ml का 38,04,000, 150 ml का 33,06,000, 210 ml का 26,04,000, इसी तरह 250 ml का 19,05,000 कप आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो देखिए यहाँ प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी दिया गया है पर आवर जो है आप 2700 यानी 2700 कप पर आवर तैयार कर सकते हैं किसी भी साइज का। देखिए प्रोडक्शन पर मंथ आप कितना कर सकते हैं, अगर आप 16 घंटा यानी 16 आवर पर डे काम करते हैं और महीना में 24 दिन अगर काम करते हैं तो आपको प्रोडक्शन टोटल होगा 10,36,800। इसी तरह 100 ml का भी होगा यानी इतना ही। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है 77,000 पर टन पेपर का कॉस्ट लगता है। सेल प्राइस जो है आपको लगभग जो है 29 रुपया 50 पैसा 100 कप का आता है, ये 90 ml का। 100 ml का 30.5 यानी 30 रुपया 50 पैसा, 110 ml का 33 रुपया, इसी तरह से जो है दिया गया है जो आप देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो है आपको टोटल खर्च जो है 100 कप तैयार करने में 25 रुपया 77 पैसा मैक्सिमम लगता है, जो आप सेल करते हैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में जो है मिनिमम 29 रुपया 50 पैसा में। तो आपको जो है टोटल प्रॉफिट होता है पर 100 कप पे 3 रुपया 74 पैसा, और महीना में इस तरह से आप जो है 38,823 रुपया इनकम कर सकते हैं ये 90 ml का कप से। इसी तरह 100 ml का कप से जो है 36,778 रुपया। इसके बाद 110 ml का जो है कप, इससे 37,809 रुपया। इसी तरह का जो है आप 250 ml का कप से 52,354 रुपया।